ओम शांति। आज का हमारा मेडिटेशन विशेष रूप से अपने पाप कर्मों को बाबा की शक्तिशाली किरणों से नष्ट करने वाला है। ये योग अभ्यास बहुत ही पावरफुल रहेगा, इसलिए हम सभी पूरी एकाग्रता के साथ बैठेंगे, क्योंकि हम आत्माओं के ऊपर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा है, पाप की गठरी है। द्वापर काल से हमने जो विकर्म और पाप कर्म किए हैं, पूरे 63 जन्म, आज हम बाबा की शक्तिशाली लेजर किरणों से इन पाप कर्मों को नष्ट करेंगे। तो इस योग अभ्यास के लिए बहुत एकाग्रचित होकर के बैठेंगे। तो आइए हम अपने मन और बुद्धि को इसी संकल्प के साथ एकाग्र करें कि सर्वशक्तिवान बाबा आज अपनी शक्तियों से मुझ आत्मा के सारे पाप कर्मों को, विकर्मों को नष्ट करेंगे। मेरे पाप की एक एक गठरी जलकर नष्ट हो जाएगी और मेरी आत्मा संपूर्ण रूप से पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगी। इसी संकल्प को अपने अंदर गहराई से समा दें और एकाग्र कर लें अपने आप को। तो चलिए एकाग्र हो जाएं अपनी आत्मा पर, अपना संपूर्ण ध्यान मस्तक के बीचों बीच एकाग्र कीजिएगा और गहराई से अपनी चेतना को देखें, अपनी आत्मा को देखें। मैं आत्मा मस्तक मणि हूं, मस्तक के मध्य चमक रही हूं। मैं बहुत सूक्ष्म और तेजस्वी हूं। मेरे अंदर अनेक दिव्य शक्तियां और गुण समाहित हैं, क्योंकि मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। मैं सर्वशक्तिमान भगवान की संतान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। पूरा ध्यान अपने आप पर, अपने आप को देखें, आत्मदर्शन। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, किंतु जन्म मरण में आते आते मैंने अनेक प्रकार के विकर्म और पाप कर्म किए हैं। विकारों के वश होकर जाने अनजाने में
बहुत गलतियां हुई है, किंतु अब मुझे मेरे पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने स्मृति दिलाई है और इन पाप कर्मों के बोझ से मुक्त होने की विधि बताई है। इसलिए अब मैं अपने आप को इन विकारों से और पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त करूंगी और हमेशा इनसे मुक्त रहूंगी। आज मैं आत्मा इसी संकल्प के साथ अपने पिता सर्वशक्तिमान महाज्योति पाप कटेश्वर शिव बाबा के पास चलती हूं। देखें अपने आप को, मुझ आत्मा से शक्तिशाली तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है, शक्तियां निकल रही है और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। शरीर का रोम रोम मुझ आत्मा की शक्ति से भर गया है। और अब मैं आत्मा इस देह को यहां ही छोड़कर इससे बाहर निकलती हूं। और अब मैं देह और देह की दुनिया से भी ऊपर पांच तत्वों की आकर्षण से परे चांद तारा गणों से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर परम धाम में आ गई। देखें इस दृश्य को, महाज्योति का धाम। साइलेंस वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, यहां आते ही मुझ आत्मा को गहन शांति का अनुभव हो रहा है। डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, ऐसा लग रहा है जैसे तपती आत्मा को शीतल झरना मिल गया है। परम धाम की शांति मुझ आत्मा को सुकून दे रही है। कितना सुंदर एहसास है। और मैं देख रही हूं महाज्योति के स्वरूप को, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल। बाबा मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींच रहे हैं।
मैं बाबा के बहुत समीप आ गई हूं। मन के नेत्रों से इस दृश्य को स्पष्ट देखें, महाज्योति और मैं आत्मा बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली असंख्य किरणें निकल रही हैं, लेचर किरणें। आज मैं आत्मा बाबा के पास इसी संकल्प के साथ आई हूं। अपने मन के विचार बाबा के सामने रखेंगे। हे दया के सागर, क्षमा के सागर, मुक्तेश्वर बाबा, पाप कटेश्वर बाबा, आज मैं आत्मा आपका बच्चा इस संकल्प को लेकर आपके पास आई हूं कि आप अपनी शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणों से मेरे सभी पाप कर्मों को, विकर्मों को नष्ट कर दीजिए। मैं इन विकारों से और पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त होना चाहती हूं। बाबा, मैंने अज्ञानतावश जाने अनजाने में बहुत विकर्म और पाप कर्म किए हैं। मैं अपने एक एक पाप कर्म के लिए आपसे दिल से क्षमा याचना करती हूं। मुझे माफ कीजिएगा बाबा। मैं आपका बच्चा आपसे आज दिल से क्षमा चाहता हूं। अपनी हर भूल के लिए, हर गलती के लिए मैं आपकी संतान हूं। मुझे इन विकारों से मुक्त कीजिएगा बाबा, मुक्त कीजिएगा। अनुभव कीजिएगा कि महाज्योति, दया का सागर, प्यार का सागर, भोलानाथ बाबा मुझ आत्मा को समाधान दे रहे हैं। मेरी भूलों को माफ कर रही हैं और अपना स्वरूप बहुत शक्तिशाली बनाकर मेरी चेतना में, मुझ आत्मा में अपनी शक्तियों का पूरा फोर्स और फोकस कुछ आत्मा पर कर देते हैं। बाबा की सारी शक्तियां
मुझ आत्मा पर पड़ रही है। लेचर किरणें और मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर समा रही है। बाबा मुझ आत्मा को मेरे अंतःकरण का दृश्य दिखा रहे हैं। मैं अपनी आत्मा के अंदर झांक रही हूं। इतना कुछ अंदर भरा हुआ है, जैसे कि बाबा ने मेरे सामने मेरा फोल्डर खोल दिया है और एक एक जन्म की फाइल खुल रही है। द्वापर काल से मैंने जो विकर्म किए हैं, एक एक जन्म के विकर्मों की पोटली गठरी बाबा मुझे दिखा रहे हैं। द्वापर काल की पूरे 21 जन्मों की एक एक गठरी मेरे सामने आ रही है। इसी प्रकार से कलयुग में मैंने जो 42 जन्म लिए, उन एक एक जन्मों की फाइल मेरे सामने ओपन हो रही है। पुण्य कर्म बहुत थोड़े, किंतु पाप कर्म बहुत ज्यादा। बाबा ने कलयुग की 42 गठरियां मेरे सामने इकट्ठी करती हैं और द्वापर काल की 21 टोटल 63 गठरियां हैं। इन एक एक गठरियों का बोझ मैं आत्मा कब से ढो रही थी, इसलिए कभी अचानक मेरी खुशी गायब हो जाती, कभी भारीपन महसूस होता, तो कभी अचानक ही मन अशांत हो जाता। इन पाप कर्मों का प्रभाव जो मुझ आत्मा पर
चढ़ा है वो मुझे भारी करता है। अब बाबा अपनी शक्तियों से मुझ आत्मा को इन पाप कर्मों के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा के अंदर जैसे कि एक अग्नि प्रज्वलित कर रही है और उस योग की अग्नि से बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणों से मेरे विकर्मों और पाप कर्मों की गठरियां जल रही हैं। इस दृश्य को स्पष्ट देखें। महाज्योति मेरे सामने है और उससे आ रही ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा के अंदर होली जला रही है, विकर्मों की पाप कर्मों की गठरियां जल रही हैं। और कुछ पल अपने आप को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। इसी संकल्प के साथ कि बाबा निरंतर अपनी ज्वाला स्वरूप शक्तियां डाल रहे हैं और मुझ आत्मा के अंदर आग जल रही है। मेरे विकर्म और पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं बहुत तीव्रता से। जैसे शक्तिशाली आग कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े ढेर को जलाकर नष्ट कर देती है, फिर तो ये परमात्म ज्वालाएं हैं। जो कुछ सेकंड के अंदर ही मेरे पाप कर्मों को जलाकर नष्ट करेंगी। एकाग्र हो जाए, पूरी एकाग्रता बस बाबा और मैं। मेरा संपूर्ण ध्यान बाबा के स्वरूप पर, उनकी किरणों पर। मैं बहुत हल्की होते जा रही हूं क्योंकि मेरे बोझ पाप कर्म
नष्ट हो रहे हैं। आत्मा मुक्त हो रही है आज। मेरे सारे ही पाप कर्मों की गठरियां बाबा ने जलाकर नष्ट कर दी है। मुझ आत्मा के अंदर अब एक भी पाप कर्म का प्रभाव नहीं बचा है। मैं पूरी तरह से साफ, स्वच्छ अब सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म है। और अब मैं भी अपना पूरा ध्यान श्रेष्ठ कर्मों पर रखूंगी। मुझे बाबा के साथ से, उसकी श्रीमत से अब बस पुण्य कर्म ही जमा करने हैं और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। बाबा से शक्तियां प्राप्त करके और दिल से बाबा को शुक्रिया करके ये क्षमा के सागर, रहम दिल बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझ आत्मा को इन विकारों से, इनके प्रभाव से मुक्त किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। और अब मैं आत्मा बाबा को परम धाम से अपने साथ कंबाइंड करके नीचे उतर रही हूं। हम दोनों बाबा और मैं देखें इस दृश्य को, परम धाम से नीचे आ रहे हैं। सूक्ष्म लोक से भी नीचे अंतरिक्ष में और कुछ पल यहां स्थित हो जाते हैं। बाबा के साथ में आत्मा बाबा की शक्तियों को पूरे अंतरिक्ष में फैला रही हूं। जैसे सूर्य अपनी रोशनी से सबको प्रकाशित करता है, वैसे मैं ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सूर्य बाबा के साथ पूरे अंतरिक्ष में पवित्रता की लाइट और माइट फैला रही हूं। हर वस्तु, हर ग्रह पवित्र हो रहा है। सबको परमात्म शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। और अब मैं बाबा के साथ वापस धरती के ग्रह पर अपने स्थान पर, और मैं देख रही हूं अपने शरीर को जो जड़ अवस्था में है। साक्षी होके अपनी देह को देखें। और अब मैं बाबा के साथ अपनी देह में परमात्म शक्तियां डाल रही हूं।
ये देह बाबा की अमानत है। बाबा इस देह को चार्ज कर रहे हैं। इस देह में भी विकारों का प्रभाव था। बाबा अपनी शक्तियों से इसको भी शुद्ध कर रहे हैं। देखें, पूरा शरीर बाबा की शक्तियों से प्रकाशित हो गया है। शरीर में व्याप्त विकारों का प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई है और अब मैं आत्मा मस्तक के मध्य आकर स्थित हो जाती हूँ और बाबा मेरे सिर के ऊपर मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ कंबाइंड है और मैं बाबा के साथ बहुत खुश और निश्चिंत हूँ इसी संकल्प के साथ कि बाबा हर पल हर क्षण मेरे साथ साथ है, कंबाइंड है। मैं उसकी छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ और विकारों के प्रभाव से पूर्ण तरह पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। ओम शांति, ओम शांति।